Hi guys, good afternoon, everyone, and welcome to An Academy. My name is Shivangi Gautam and in this particular class, I will be discussing about a very important uh, news item, specifically with respect mm. to the preparation of uh, the UPSC examination, and in relevance to something which has been a wonderful accomplishment for India, something which has put India and specifically the state of Odisha again back in the news after the year 2019. अगर हम बात करें इस इंपॉर्टेंट रेलेवेंट आइटम की तो उड़ीसा का जो तो जग मिशन है उसको यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है एंड व्हाट वाज द जग मिशन क्यों ये न्यूज में रहा कौन सी बार मिला किस तरीके से वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स दिए जाते हैं किस फंक्शनरी के अंडर आते हैं आज के क्लास में हम इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे Uh, अगर हम जग मिशन के बारे में जाने तो जग मिशन है क्या क्यों इसको लेकर आए जग मिशन से रिलेटेड जो रेलेवेंट पार्ट है इन सिंपलेस्ट टर्म्स अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं जग मिशन है क्या uh. उड़ीसा ने जग मिशन को 2019 में दो हजार से पहले स्टार्ट किया था लेकिन 2019 में भी उनको ये अवार्ड मिला था और ये सेकेंड टाइम है जब उनको दो में इस अवार्ड से नवाजा गया है जग मिशन दुनिया का सबसे बड़ा लैंड टिल्टिंग या स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है बस्तियों के उत्थान के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आए थे जो वहां के सीएम है नवीन पटनायक जी इसका एम है कि जितने भी स्लम ड्वेलर हैं उसकी लाइफ को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक बहुत बड़ा या विशाल का है एम है विथ रिस्पेक्ट टू तो द जग मिशन एंड वॉट इज दैट वो चाहते हैं कि उड़ीसा को पहला स्लम फ्री स्टेट बनाए यानी जितनी भी बस्तियां हैं झुग्गी झोपड़ियां हैं उससे फ्री फ्री करें उड़ीसा को बाय द ईयर 2030 और रफली समवेयर अराउंड 2919 स्लम्स हैं उड़ीसा में जग मिशन का एम है कि सारे के सारे uh, जो स्लम्स हैं उड़ीसा के उसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं जग मिशन का रेलेवेंस क्या है और इसके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं इन पांच सालों में पहले ये देखते हैं और इन अचीवमेंट्स के थ्रू ना हम एक सिंपल सी चीज और जानेंगे कि इसका गरीबों के लिए क्या फायदा है अगर स्लम्स हैं भी या स्लम्स को हटाने की जगह अगर हम इनका उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं उससे क्या प्रोमिनेंस चीज न्यूज में आएगी या क्या प्रोमिनेंट इन लोगों को फायदा मिलेगा तो एक लाख पिचहत्तर हजार ऐसी फैमिलीज हैं जिनको लैंड टेन्योर सिक्योरिटी मिलेगी यानी भूमि पट सुरक्षा मिलेगी इसके तहत क्या होगा और क्यों ये रेलेवेंट है तो सरकार ने एक सिंपल सी चीज बोली कि आपके पास झुकी झोपड़ी किसी लैंड पर है आपके पास अपना घर नहीं अपना कोई पता ठिकाना नहीं है तो आप कई दफा ऐसा होता है बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं जा सकते कॉलेजेस में नहीं जा सकते आप सरकारी जगहों पे अपना इलाज नहीं करवा सकते बैंक आपको लोन नहीं दे सकती तो सरकार आपको जिस भी जमीन पे आपकी बस्तियां हैं आपके झुगियां हैं वहां पे सरकार 60 परसेंट रुपया आपको देगी मान लो सौ रुपया उस लैंड का कीमत है चालीस रुपया आपको देना पड़ेगा अब बाकी का जो अमाउंट बचेगा सरकार लोन से पहले भी इंश्योर करेगी कि आप वो लैंड पहले अपने अंडर करो फिर वहां पर पक्का मकान बनवाएगी पक्के मकान से क्या होगा अगर पक्का मकान है आप उसको एक एज एन एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हो बच्चों के एडमिशन के लिए आ, किसी नौकरी में बच्चे अप्लाई करना चाहे वहां पे, आपके जितने भी डिलीवरी एजेंट्स हैं वो भी आपके घर पे आके बहुत सी चीजें आपको डिलीवर करेंगे अलोंग विद दैट बैंक से लोन लेने में भी बहुत आसानी होती है तो सरकार ये चाहती है कि जितने भी स्लम्स हैं उड़ीसा में उसमें हम प्रॉपर फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करवा पाए ताकि पक्का घर होने की वजह से प्रॉपर पानी का कनेक्शन प्रॉपर टॉयलेट्स बनेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रादर इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनेंगे हर एक एक फैमिली के लिए तो सैनिटेशन क्लैनलीनेस हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा 100 परसेंट घरों को 2724 सेवन टू फोर स्लम्स में पानी की हंड्रेड परसेंट लाइक कवरेज दी जाएगी 707 सौ सात स्लमो को सेवन हंड्रेड एंड सेवन स्लम्प को या जो बस्तियां हैं उनको एक लाइवेबल हैबिटाट में चेंज किया जाएगा यानी जो मलिन बस्तियां हैं उन्हें पूरी तरीके से रहने योग्य बनाया जाएगा या रहने योग्य जो आवास है उसमें बदला जाएगा सौ

अब हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द यूपीएससी प्रेपरेशन क्या आता है कि वर्ल्ड हैबिटेट जो अवार्ड हैं वो क्या है कौन सा ग्रुप कौन सा बॉडी उनको देता है कहां पे सिचुएटेड है तो जग मिशन का रेलेवेंस उसका जो एम है किस सरकार ने उसको स्टार्ट करा है किस रीजन और क्या क्या अचीवमेंट्स हुए फ्रॉम द फ्रिलियम्स एंड मीन पॉइंट ऑफ व्यू एक पार्ट तो कवर हो गया अब वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड देखिए जो एक लॉन्गर पिक्चर में आता है तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है फॉर द हाउसिंग सोल्यूशन स्पेशली अर्बन एरियाज में जहां पे इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिटीज को जो एक साथ काम कर रहे हैं ध्यान दिया जाता है कि कैसे लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हो इस अवार्ड को देता है और 1985 से ये से हर साल दिए जा रहे हैं ये जो मैंने हेडक्वार्ट लिखे हुए हैं दैट इज uh, uh, ये हैंबिटेट के हैं और हेडक्वार्टिटेट ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का इसका क्या काम है इसका सबसे प्रोमनेंट एम है कि अर्बन एरियाज में हम कैसे एक अच्छा प्रॉपर सोल्यूशन दे सकते हैं लोगों को रहने के लिए जो भी हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं अर्बन एरियाज में सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम इनोवेटिव इफेक्टिव सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं और इसी के तहत इन्होंने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स को शुरू करा था कि कौन सी कौन सी ऐसी देश की या कौन से कौन से गवर्नमेंट्स हैं जो अब अर्बन गवर्नेंस के जो प्रावधान है प्रोविजन है उसको फॉलो करते हुए अर्बन लाइफ को ईजी बना देंगे तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स का जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं लोगों को ये समझाएं कि क्लाइमेट चेंज का असर क्या होगा ओवर पॉपुलेशन का असर क्या होगा जो कंसिस्टेंट फ्लड्स या ड्राउट्स देखने को मिल रहे हैं उसका असर क्या होगा और इन्हीं चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमको अभिनव और प्रभावी समाधान का प्रदर्शन कैसे चाहिए जग मिशन अपने आप में एक बहुत प्रोमनेंट इनोवेटिव सोल्यूशन रहा है बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है इफेक्टिव कैसे अचीवमेंट्स पिछले पांच साल के हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनोवेटिव कैसे हम एक स्टेट को स्लम फ्री कर रहे हैं बाय पोर्शन बाय पोर्शन साइज बाय साइज एरिया बाय एरिया हमारे अगर हम उड़ीसा के सीएम को जितना भी यहाँ पे ग्रेटफुल uh, होना चाहें जितने भी उनकी तारीफ करें वो कम होगा क्यों क्योंकि पहला तो ये एक आइडिया लेकर आना वो दूसरा उस पर अमल करना कि पूरे के पूरे स्टेट को एक साथ करने से बेटर है हम छोटे छोटे पोर्स में इस काम को शुरू करें और सिटी बाय सिटी बढ़ते चले कई जगह पे हम पाइप कनेक्शन दें कहीं पे हम धीरे धीरे घर बनाना शुरू करें एंड दैट इज हाउ हम लोगों को डिफरेंस दिखेगा विच इज एग्जैक्टली वॉट उड़ीसा हैज बीन डूइंग इस हैबिटेट अवार्ड की दो कैटेगरीज होती हैं दी अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड अवार्ड फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस सो गाइज आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही स्टेट ट्यून फॉर मोर एट अन अकेडमी थैंक यू सो मच हैव अ फैंटास्टिक डे लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर थैंक यू एंड अ वेरी गुड डे